रिकवरी एजेंट सभी को जानते हैं, क्योंकि जिसने भी गाड़ी खरीदा है लोन पे इंस्टॉलमेंट पे, उसे कभी ना कभी रिकवरी एजेंट से मुलाकात हो ही जाती है। और वार्ता बहुत अच्छा तो नहीं होता है, क्योंकि वो किस्ती फेल होने के कारण रिकवरी एजेंट गाड़ी टालने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन ये उनकी ड्यूटी है, मजबूरी भी है कि भैया आप अगर कहीं से गाड़ी बाइक कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे लिए है तो आपको इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो 3 इंस्टॉलमेंट के बाद जो है रिकवरी एजेंट आपकी गाड़ी को रिकवर करेगा। खैर ये सिलसिला तो लगातार चल रहा है, तरीका कुछ हद तक गलत रहता है। अब आई बात, इसमें भी एक नया तरीका निकल गया। नया तरीका ये है कि बरवड्डा थाना क्षेत्र में इन दिनों रिकवरी एजेंट नकली जो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है वो अपने आप को रिकवरी एजेंट शो करके और बहुत सारे गाड़ी से लाखों रुपया उड़ा चुका। गलती से ओरिजिनल रिकवरी एजेंट के हाथे चढ़ गया, बस मामला सीधे थाने तक पहुंच गया। बजाज रिकवरी एजेंट प्रभास सिंह ने मीडिया को बताया कि आसनसोल की एक कंपनी के द्वारा यहां पर रिकवरी एजेंट का काम होता, जिसमें कंपनी उन्हें टर्मिनेट कर दिया और वह काम अब मुझे दे दिया है, जबकि कंपनी को डाटा और राशि टारगेट दी जाती है। ऐसे में उसे कंपनी के द्वारा टर्मिनेट किया हुआ लड़का किशन कुमार धनबाद में फर्जी तरीके से ग्राहक लोगों को मैसेज कर लगभग 90 हजार से 1 लाख रुपया तक फर्जी तरीके से वसूल कर चुका है। इस वसूली में लगभग 20 बाइक लोन ग्राहक की अग्रिम राशि भी इन्होंने फर्जी तरीके से अपने पास रखा हुआ। आज उसी एक ग्राहक के माध्यम से उसे पकड़कर बरवड्डा थाने को दे दिया गया और उस फर्जी तरीके से अमाउंट की वापसी की मांग कर रहे जिन ग्राहकों ने उसने पैसे लिए हैं उन्हें वापस कर दें और इस पर फर्जी तरीके से पैसे लेने के मामले में कानूनी कार्रवाई किया जाए। जबकि इस मामले पर बरवड्डा थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, अगर वह फर्जी तरीके से लोगों से पैसा लिया है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करके उसे हम जेल जरूर भेज देंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल धनबाद से। मेरे साथ 3 EMI बाकी नहीं था, उसके बाद 3 EMI का पैसे के लिए मैसेज किया गया है मेरे मोबाइल पे, छोटा भाई के मोबाइल पे। बोला कि 3 EMI आपका बाकी नहीं तो गाड़ी उठवा लेंगे रोड से। कौन बोला? ये जो आपका किशन नाम का लड़का है, कभी राज नाम बोलता है कभी किशन, दो नाम से मैसेज करता है, ठीक है, और नया नया नंबर से फ़ोन किया गया है। तो आप पैसे हम नहीं दिए, कल मेरे साथ जो मैनेजर सर गए हुए थे वहाँ पर, ठीक है, कलेक्शन सर गए हुए थे, वो मेरे घर हम लोग एक्सपायर किए हुए थे, ठीक है, तो हम मेरे घर गए थे, कारण से बता दिए कि ई मंथ का EMI कुछ दिन बाद हम जमा कर देंगे, प्रॉब्लम चल रहा है, एक्सपायर किया वही कारण से प्रॉब्लम चल रहा है, तो वही कारण बोले तो सर बोले ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है, इसलिए कंप्लेंट कर रहे हैं? कंप्लेंट ऐसा कीजिए कि जैसे दोबारा ऐसा भरोसा टूटे। पब्लिक कहाँ रहते हैं? गोपाल कुमार, मेरा घर वह थाना टुंडी पड़ता है, ठीक है। सर मैं बजाज फाइनेंस का अमित सराफ कलेक्शन एजेंसी दुमका जो है उसका यहाँ धनबाद का टीम लीडर हूँ। बजाज फाइनेंस 2-व्हीलर का मैं धनबाद में काम देखता हूँ। हमारे पास पिछले महीने से आसनसोल की एक एजेंसी थी SSS, जिसको बजाज फाइनेंस ने टर्मिनेट किया, उसका काम हमारे पास आ गया। वहाँ का एक लड़का है किशन, जो हमारे बजाज फाइनेंस के डाटा में फर्जी तरीका से कस्टमर का कलेक्शन कर रहा है और अभी तक बाजार से 90 से 1 लाख रुपये वो उठा चुका है। और हमारा काम जो है टारगेट ओरिएंटेड काम है, अगर हम टारगेट नहीं करेंगे तो ना हम अपने एजेंसी का टारगेट कर पाएंगे ना बैंकिंग कर पाएंगे। ये 1 लाख रुपए जो उठाया है जिसके चलते हमको टारगेट में बहुत परेशानी हो रही है और अभी भी हमारे डाटा के कलेक्शन के जो कस्टमर हैं उनको फ़ोन कर कि ये बोल रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर रहा है, जिसका सारा प्रूफ हमारे पास है कि हमको ये महीने का पैसा दो, 1 महीने का जो पैसा बाकी है जिस कस्टमर का, उससे भी ये 3 महीने का पैसा मांग रहा है, समझ। आज हम लोगों ने किसी तरह मेहनत करके अपने कस्टमर के माध्यम से, कुछ कस्टमर जो हमको भरपूर सहयोग किए वो हमारे साथ हैं, उनके साथ मिलके आज इस किशन नामक फर्जी कलेक्शन एजेंट को हम लोगों ने पकड़ा और बतौर थाना को, बरवड्डा थाना को मैंने सौंपा है। थाना में भी हम लोग को बहुत मदद मिला है, आगे कार्रवाई जारी है। क्या लगता है कि एक तरह से वो फ्रॉड कर रहा था? क्या फ्रॉड नहीं कर रहा था, वो पूरे 420 लड़का है और जिस एजेंसी में काम करता था वहाँ का भी 70 से 80 ऑथराइजेशन लगा नहीं, नहीं
वो एजेंसी के कस्टमर से पैसा ले चुका है, 20 से 25 कस्टमर का पैसा वो ले चुका है। और आजकल एक छोटे से पल्सर का भी ईएमआई 4,4500 से कम का नहीं होता है भैया, आप लोग भी गाड़ी पर चढ़ते हैं। और ये कस्टमर हमारे बगल में कहां दिए हैं जी? अभी उसको कहां दिए पकड़ के? अभी हम लोगों ने इज्जत से उसे बरवड्डा थाना में रखा है, बरवड्डा थाना पुलिस रखा है, बरवड्डा थाना पुलिस हम लोग का बहुत मदद कर रहा है। अपना परिचय जी, मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है, मैं अमित शराफ कलेक्शन एजेंसी का टीम लीडर धनबाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर, धन्यवाद।